राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12th बोर्ड के बाद 10th बोर्ड का परिणाम कल यानी 29 मई की शाम को जारी कर दिया है। 10th बोर्ड के परीक्षा परिणाम में करौली के कई होनारों ने भी 95% से ऊपर अंक लाकर बाजी मारी है। इस साल के परिणाम में करौली में छात्राओं के मुकाबले छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। उन्हीं में से एक छात्र हैं देवांश सुरोटिया। देवांश ने 10th बोर्ड के परीक्षा परिणाम में अंग्रेजी माध्यम से 98% अंक लाकर अपना स्कूल टॉप किया है। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद से ही देवांश के अच्छे परिणाम से उसके घर में खुशी का माहौल बना हुआ है। खास बात यह है कि देवांश ने अंग्रेजी माध्यम में यह 98% अंक सेल्फ स्टडी के दम पर अपने विद्यालय की पढ़ाई से हासिल किए हैं। देवांश ने अपनी सफलता का पहला श्रेय अपने स्कूल के टीचर्स, दूसरा श्रेय अपनी बड़ी बहन और तीसरा श्रेय अपनी माँ को दिया है। मैं सबसे पहला श्रेय अपने स्कूल वालों को देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे पीछे बहुत मेहनत करी। दूसरा श्रेय मैं अपनी दीदी को देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे हर समय पर एक प्रोत्साहन दिया। तीसरा श्रेय वहीं पर मैं अपनी माँ को देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे इस पूरी जर्नी में बहुत साथ दिया और जिनकी वजह से मुझे लगता है कि मैं 98% मार्क्स गेन करने में सफलता मेरे प्राप्त। मैं हमेशा मतलब कि मेहनत में विश्वास रखता हूँ कि दोनों चीज़ साथ में चलती है, किस्मत भी मेहनत भी। मैं मेहनत में विश्वास ज़्यादा रखता हूँ किस्मत की बजाय, इसलिए मैंने लगभग प्री बोर्ड्स के टाइम पर मैंने 8-8 घंटे भी पढ़ाई किया है। इसके अलावा मैंने 6-6 घंटे मेरा रोज का था, मतलब इतना तो पढ़ना ही है, उसी की वजह से आज 98% किसी प्रकार की कोचिंग नहीं थी। मैंने बस स्कूल पर विश्वास रखा और सेल्फ स्टडी। बच्चा अगर मेहनत करता है अच्छे से तो उसके 98% आना कोई भी बड़ी बात नहीं है। आराम से मेहनत करें, अपने ऊपर विश्वास रखें, घर वालों पर विश्वास रखें और बस। मैं सब्जेक्ट लिया है और मैं उससे IITian बनने की मेरी ख्वाहिश है। स्पेशली जो बच्चे आगामी 10th क्लास की परिणाम देना चाहते हैं या फिर एग्जाम देना चाहते हैं, मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, अपने स्कूल पर विश्वास रखें और खुद पर विश्वास रखें, बस इसके ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इस पर ही आप बहुत अच्छी परसेंट हासिल कर सकते हो जो कि मैंने करी।